मित्रों, इस समय हम खोणारे गौरा चौकी मार्ग पर खोणारे तिराहे पर खड़े हैं और मेन तिराहे पर एक बिल्डिंग जो सामने दिखाई पड़ रही है, ये बेसमेंट से लेकर के फर्स्ट फ्लोर तक बनी हुई है। लेकिन ये बिल्डिंग चूँकि बनाने समय कुछ त्रुटियां हो गई हैं और इसमें जो है इस क्षेत्र में, हालांकि सिटी की बात छोड़िए तो इस क्षेत्र में एक नया अजूबा टाइप का काम हो रहा है, क्योंकि ये सारी बिल्डिंगें जो है, ये पूरी कंप्लीट बिल्डिंग 5 फीट ऊपर उठाई जा रही है। ये कंपनी आई है और उस कंपनी ने इसको ठेका ले रखा है उठाने के लिए। देखें, ये कॉर्नर की बिल्डिंग है और यहाँ जो है इस बिल्डिंग में किस तरीके से इसको उठाएंगे, कैसा क्या करेंगे, वो चल के अभी हम आपको दृश्य दिखाएंगे। हालांकि ये भवनान गौरा चौकी मार्ग है और ये खोणारे बाज़ार है। बिल्डिंग के जस्ट सामने देखिए फल फ्रूट लगा हुआ है, फल फ्रूट की दुकानें हैं। ये एकदम मेन जगह पर एकदम किराए से जुड़ा हुआ ये जगह है। देखा, ये भवनान साइड मार्ग गया है और इससे ये कट करके किराहा ये जो है कुकनगर को गया है। ये रास्ता कुकनगर चला गया है। बहुत मेन जगह पर ये बिल्डिंग बनी हुई है और ये चूँकि बनाते समय कुछ त्रुटियाँ हो गई थी, बेसमेंट सही बन नहीं पाया था, इसलिए इस समय एक कंपनी आई है और उसको जो है बातचीत करके जो है 5 फीट इसको ऊपर उठाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो अंदर चल के देखते हैं कैसे क्या कर रहे हैं। यहाँ पहुँच गए हैं इस बिल्डिंग के बेसमेंट जो है वहाँ, और ये देख रहा हूँ काफ़ी जैक वगैरह यहाँ लगा हुआ है। ये लोग पहाड़ भी बना रहे हैं, देखें किस तरीके से पहाड़ बना रहे हैं ये लोग और कितना यहाँ जैक लगा हुआ है। सारी जैकें लगी हुई हैं अंदर तक और ये बड़ी बिल्डिंग है, छोटी नहीं है। तो ऐसे में यहाँ कुछ काम करने वाले लोग भी हैं और थोड़ा उनसे भी जानकारी हम लेंगे। देखिए, एक अजूबा लग रहा है देहात में ये काम। देखिए किस तरीके से जैक लगा हुआ, हर बीम के नीचे लगा हुआ है और पिलर को तोड़ दिया गया है। पिलर के नीचे भी जो है जैक लगा हुआ है। देखिए, पिलर को तोड़ करके इसी तरीके से जितने पिलर हैं सब पिलर के नीचे जो है जैक लगा हुआ है। तो अभी भी ये लोग पहाड़ बना रहे हैं, पहाड़ बना के कैसे क्या करेंगे। यहाँ कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो इनसे थोड़ा हम जानकारी लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। ये कौन सी कंपनी है, एक नया तकनीक यहाँ हम देख रहे हैं फिलहाल? मैम, जे ए हाउस लिफ्टिंग प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है का? हाँ जी। अच्छा, तो कितने लेबर होंगे आपके यहाँ लगभग? यहाँ 30 लेबर लगेगी। यहाँ 30 लेबर लगेंगे और आपकी कंपनी में कितना कम से कम करते होंगे काम? 300 आदमी। 300 आदमी हैं तो यहाँ लगभग 30 लोग लगेंगे और मैं देख रहा हूँ काफ़ी जैक लगा है, तो 100 से ज़्यादा भी जैक लगा हुआ है इसमें। तो ये 30 लोग ही कैसे इसको होल्ड कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 30 लोग मिलकर इसको काम करेंगे, 30 आदमी मिलकर इसको उठाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी ये पहाड़ वगैरह आप बना रहे हैं, तो ये बैठने के लिए पहाड़ बना रहे हैं का? ये जैक चलाने के लिए। अच्छा, इसके ऊपर बैठेंगे का? हाँ जी, ये जो पहाड़ बना रहे हैं इस पे बैठेंगे आप लोग? बैठेंगे और बैठ करके जैक को चलाएंगे। अच्छा अच्छा, तो कितना दिन से ये काम यहाँ हो रहा है अभी फिलहाल? ये 1.5 महीने से। 1.5 महीने, 50 दिन हो गए। 50 दिन हो गए अभी काम करते हैं। और लगभग कितना दिन और लग जाएगा अभी इसमें? 50 दिन और लगेंगे अभी। 50 दिन और लग जाएगा। आपका क्या नाम है? रजम्बुल अली। हाँ, तो कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं? आप भी 1.5 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ? बहुत, जैसे जब से काम शुरू हुआ तब से कर रहे हैं। अच्छा, तब से आप कर रहे हैं। और कई जगह ऐसा काम कर चुके हैं आप लोग? हाँ, सब 50 लाख 50 करते हैं काम। अच्छा, 50 बिल्डिंगों पर काम कर चुके हो? इसी तरीके से इसे उठा देते हैं? हाँ, उठा देते हैं। अच्छा, कई लेबर हैं यहाँ काम कर रहे हैं? इस टाइम 4 है। इस समय 4 लोग हैं, तो पहाड़ी बना रहे हैं इस समय। तो देखें, ये बिल्डिंग है, ये काम करने वाले बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं ऐसा, और कई बिल्डिंगें ये बता रहे हैं कि हम लोग उठा चुके हैं। हालांकि ये काम यहाँ देहात में तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं, सिटी के अंदर ये काम हो रहा है वो ये अलग बात है। देखें, ये काफ़ी जैक लगा हुआ है इस तरीके से। देखें, कुछ अंदर का सीन भी आपको हम दिखाएँ। काफ़ी लंबाई में बड़ा बिल्डिंग है ये, और देखें ये दीवार जोड़ी गई है, ये दीवार के ऊपर जैक लगाया गया है सपोर्ट के रूप में। देखें, काफ़ी जैक लगा हुआ है और ये बता रहे हैं मात्र 30 लेबर जो है मिल करके इस जैक को चलाएंगे और इस संपूर्ण बिल्डिंग को ऊपर जो है ये उठा देंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। हालांकि ये कार्य भी कर रहे हैं और दिखाई भी पड़ रहा है कि ये लोग अपने काम में सफल होंगे, क्योंकि ये लोग
बता रहे हैं कई बिल्डिंगें ये लोग उठा चुके हैं अब तक। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आरिफ। आरिफ, इससे पहले भी कहीं काम किए हो? बहुत सारे काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में काम चल रहा है। अच्छा, तो अभी तो उम्र आपका कम दिखाई पड़ रहा है, कम से कम कितनी बिल्डिंगें उठा चुके हैं अब तक? कम से कम 100 बिल्डिंग अपने जब से मैं काम कर चुका इसमें आए हैं। हाँ, अब से 100 बिल्डिंग उठा चुके हैं। अच्छा अच्छा जी। इसके अंदर काम करते हो आप लोग को डर नहीं लगता उठाते समय? कोई डर नहीं। हाँ, कोई डर नहीं। अच्छा, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। डरते नहीं आप लोग? हैं किसी से कहूँ नहीं डरते। ये बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। हाँ, डर रहेगा किसी का नहीं। नहीं नहीं, आपका तकनीक सफल दिखाई पड़ रहा है जैसा कि लग रहा है देखने में। ये बिल्डिंग है और अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। थोड़ा सा देखें, काफ़ी कमरे वगैरह बने हुए हैं, बिल्डिंग तो बड़ी है। यहाँ भी तोड़ दिए हैं, इसका सपोर्ट जो है जहाँ कहीं भी है सारे सपोर्ट को इन लोगों ने तोड़ दिया है। अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं इसकी बिल्डिंग के ऊपर। ये देखें, ये पहला फ्लोर है और इसके ऊपर भी कुछ बना हुआ है का? अच्छा, ऊपर कोई कमरा नहीं बना है। यही बिल्डिंग है जिसको उठाएंगे। ये देखें, ये मेन तिराहे पर है, ये खुणारे बाज़ार है। खुणारे बाज़ार के मेन तिराहे पर बना हुआ ये बिल्डिंग है। हालांकि बनाते समय कुछ त्रुटियां हो गई थी और उसी कमी के कारण जो है लोग ये बिल्डिंग उठाएंगे। तो ये सारे कमरे बने हुए हैं, यहाँ देखें ये संपूर्ण बिल्डिंग ऊपर उठेगी। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे चल रहे हैं। अरे, ये संपूर्ण बिल्डिंग उठना है, देखिए जीना लगा, इस जीने से आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये हरियाणा के जीना अभी नहीं काटे हैं? ये जीना भी काटेंगे ना? देखें, आगे इसके होटल चल रहा है, ये होटल है। अभी देखें ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ होटल चल रहा है और यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, इससे थोड़ा जानकारी हम ले। आपका क्या नाम है? पप्पू। पप्पू, ये जो बिल्डिंग है आपके पीछे जस्ट ये, जिसमें ये अभी 5 फीट सुना हूँ उठाया जा रहा है, ये आप ही की बिल्डिंग है? तो कैसे, क्या क्या गड़बड़ी हो गया था जो आप इसको ऊपर उठा रहे हैं? इसको बेसमेंट बनाए थे लेकिन लीकेज हो गया। हाँ, गटर के बाजू से। अच्छा, इस वजह से इसको उठाना पड़ा। अच्छा, नहीं जो ये बेसमेंट आप बनाए थे उसमें पानी आ जा रहा था। तो अभी अभी तो बेसमेंट आपका ख़त्म हो जाएगा उठवाने के बाद। हाँ, अभी तो ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा। हाँ, कई फीट ऊपर उठवा रहे हैं इसको? 6 फीट। 6 फीट ऊपर उठा रहे हैं? हाँ, 6 फीट। अच्छा, ये लोग 6 फीट ऊपर उठाएंगे। हाँ, एग्रीमेंट कितने में हुआ आपका? लगभग लगभग वही 1,80,000 बोल रहे थे। 1,80,000 एक फीट का? हाँ। अच्छा, एक उसमें, उसमें जो कम करें रेट पानी। अच्छा अच्छा, अभी मतलब एकदम कम्प्लीट क्लियर नहीं? अभी नहीं, अभी रेट पानी का विशेष क्लियर। तो जैसा कि तकनीक आपको दिखाया हूँ इन लोगों का, पूरे बिल्डिंग में जैसे जैक लगा हुआ है आप देख ही रहे हैं और बता रहे हैं लगभग ये 6 फीट ऊपर उठाया जाएगा। Thank you.